हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स के बच्चे सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे। और जैसा कि मैं सेकंड डे में आपको फूड हैबिट्स तक पढ़ा भी चुका हूँ, क्योंकि जो फूड हैबिट्स हैं हमारी, वो फूड हैबिट्स दो टाइप की ही हैं। एक तो हमारी ऑटोट्रॉप्स के अंदर आती है और एक आती है हेटरोट्रॉप के अंदर। जबकि ऑटोट्रॉप्स में आपको अच्छे से पढ़ा भी चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख सकते हैं सेकेंड डे वाली, ठीक है, उसको मैंने रिवाइज किया है। लेकिन आज मैं आपको हेटरोट्रॉप्स पढ़ाऊंगा, और हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स होता है हमारा परपोषी। हेटरोट्रॉप्स मीन्स होता है हमारा परपोषी, यानी कि हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑल जो लिविंग्स होती हैं वो दूसरों पर डिपेंड होती हैं, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और जो हमारा हेटरोट्रॉप्स है ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है हमारा हर्बिवोरियस, और जो दूसरा है हमारा होता है कार्निवोरियस, और जो थर्ड है आपका वो होता है ओमनिवोरस, ठीक है। अब देखो मैं इनको डिफाइन कर देता हूं, ये होते क्या है। हर्बिवोरस क्या होते हैं, हर्बिवोरस आर द एनिमल्स विच फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट। जो हर्बिवोरस होते हैं वो डायरेक्टली प्लांटों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, काउ, बफेलो, ईटीसी, ये हर्बिवोरस में आ गए, ठीक है, जिनको बोल सकते हैं हम शाकाहारी। क्या बोल सकते हैं हम, शाकाहारी, ठीक है। ये होता है कार्निवोरियस। कार्निवोरियस क्या होता है, ये दूसरे एनिमलों को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स, जैसे कि इसको बोलते हैं हम मांसाहारी, ठीक है, लाइक एज लॉयन, एग्जांपल देख रहे हैं यहां पे, लॉयन, टाइगर, वल्चर, ठीक है। अब चलते हैं ओमनिवोर्स में। ओमनिवोर्स क्या होता है, सर्वाहारी होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी, यानी कि जो मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और बिना मीट की भी चीजें खाते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो भोजन करते हैं, लाइक एज एग्जांपल, जैसे कि मैन है, डॉग है, कैट है, और कोवा, क्रो, ईटीसी, ठीक है। ये तीन टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं आज आपको। हेटरोट्रॉप्स कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, हर्बिवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस, ठीक है। मैंने इसमें और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ये केवल जो जीव जंतु मांस नहीं खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो दोनों चीजें खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है बच्चों। ये जितने वर्क दिया है मैंने ये अपनी रफ कॉपी में कर लेना है, और रफ कॉपी में करने के बाद वो रफ कॉपी आप स्कूल में सबमिट करा दें, ताकि हम उसको चेक कर सकें। थैंक यू।